दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल एंड सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन सेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन सेट के बारे में, जिसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एक वीडियो है। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, सिक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसका मतलब है तीन डायरेक्शन में ये प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और तीन डायरेक्शन में रोटेशन है। तो टोटल 6 डिग्री हो गए इसके, और सभी 6 डिग्री में फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये वीडियो दिखाया गया है। 6 डिग्री ऑफ मोशन लिख के यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें रोटेट करके भी दिखाया गया है। तो ऐसा ही कॉन्स्टेंट लगाने के लिए ये कॉन्स्टेंट सेट है हमारे पास, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस कॉन्स्टेंट के लिए नेसेसरी बात यह है कि जो हमारा बेस पार्ट है उसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट लाएंगे, कंपोनेंट लाएंगे, उस पर भी होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट में, तो अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लीजिए। अब हम ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक बना के रखे हैं, तो इसको देख लीजिए। जैसा कि उस वीडियो में दिखा रहा था वैसा ही कुछ इसमें भी होगा। ठीक है, एक्चुअली में इसमें सभी कॉन्स्टेंट लगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैंने एकदम अच्छे से सारे कॉन्स्टेंट को नहीं लगाया है। और देख लीजिए, मूव हो रहा है और ये रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, आप इसको घर में बाकायदा बना के देख सकते हैं, और ये मॉडल आपका एकदम इस वीडियो के जैसे वर्क करेगा। ठीक है, इस वीडियो में कितने पॉइंट है? 1 2 3 6 लेवल टोटल। तो 6 पॉइंट यहाँ पे, तीन इस पॉइंट, तीन इस तरफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस पार्ट में लगाइए, और ये 6 लेग लेके आइए और उसमें ऐड कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपना कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट पे सबसे पहले जो हमने बेस पार्ट लिया था, इस बेस पार्ट को तो हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया था। ठीक है, एडिट डेफिनेशन में हमको दिखा देते हैं, डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर रखा है और ओके कर लिया। इस पे अभी हमने 4 ही कॉन्स्टेंट सेट यूज किए हैं। इसके बाद जो हम सबसे पहला पार्ट इंपोर्ट कराए थे यहाँ पे, ये इसकी पहली लेग, ठीक है, ये वाली, इसको एडिट डेफिनेशन में चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा के रखा था। तो प्लेसमेंट में आते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले था कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका अलाइनमेंट करने का ऑप्शन। अगर हम सारे ऑप्शंस को डिलीट करते हैं, तो आप दिखाते हैं फिर से, यहाँ से 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सेलेक्ट करिए। इसके बाद बोलता है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो हम पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक कॉर्नर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट हो गया कोऑर्डिनेट। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, आपके पास तीन एक्सिस आ जाएंगी। ट्रांसलेशन का मतलब तीन ऐसे पॉइंट जहाँ से ये पार्ट आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपके ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक पॉइंट भी होना चाहिए। देखिए, हमने पॉइंट बना के रखा है, ठीक है, रेड कलर का दिख रहा है, ये पॉइंट भी होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करिए, और इसके बाद इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्शन आ जाएगी। आप चाहते हैं कि ये जो लेग है ये ऊपर नीचे मूव हो, तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दीजिए। अगर नहीं चाहते तो दोनों में 0 0 रख देंगे, तो ये मूव नहीं होगी। या पहले में मिनिमम 0 और मैक्सिमम आप चाहते हैं कि ये 10 mm ऊपर जाए, तो 10 दे दीजिए वैल्यू। 10 देख के बहुत थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव होगा, हम इसको 50 रख लेते हैं। तो पहला इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा ट्रांसलेशन, फिर से इसका पॉइंट सेलेक्ट करिए, और फर्स्ट प्लेन सेलेक्ट कर लिया था ये, सेकेंड प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, पहला तो हमने पॉइंट सेट कर रखा है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से रिलेशन, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही इस पॉइंट को थर्ड पॉइंट के साथ, यानी इस डायरेक्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। तो तीन डायरेक्शन हो गई आपके पास इसको सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दीजिए इसके लिए, कि मिनिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा। मैक्सिमम चाहते हैं 100 जाए और मिनिमम 0 जाए, ऐसा है। इसमें 0 और मैक्सिमम 100, फर्स्ट वाले में भी हम 50 की जगह 100 करना चाहते हैं।
और ऐसा करने के बाद ओके कर दीजिए। जब ओके कर देंगे तो ये हमारी ये लेग थी, ठीक है, पहली वाली। जैसे ही क्लिक करेंगे हाईलाइट करेगी कौन सी पहली लेग है। अब इस पर ड्रैग करके आप पता कर सकते हैं कि इसका मोशन कैसा है, ठीक है। देखिए ये जो लेग है आपकी, ये 6 डिग्री मोशन करेगी। 6 डिग्री यानी एक्स वाई और जेड में ये ट्रांसलेशन करेगी, यानी कह सकते हैं कि ऊपर डायरेक्शन में हमने बोला था कि मैक्सिमम कितना 100 जा सकती है, तो देखिए नीचे से मैक्सिमम 100 जा सकती है, ऐसा हम दिखाते हैं फ्रंट व्यू में चल के। हाँ ये देखिए, थोड़ी देर के लिए इसका हम ट्रैक को बंद करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट ऊपर वाली डायरेक्शन में एकदम पास में आ सकते हैं, यानी जीरो मिनिमम डायरेक्शन, और ऊपर जा सकते हैं 100 पॉइंट तक, ठीक है। ये देखिए इसको ले जाते हैं तो 100 तक जाता है, फिर रुक जाता है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में 100 तक जाएगा, 0 से लेके 100 तक, और ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी 100 जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तीनों डायरेक्शन में रोटेट भी हो सकता है। तो ये है इसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसमें हम जब अभी बाद में, अभी तो इसका फंडामेंटल सीख रहे हैं, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ वीडियो में डिफरेंट टाइप की असेंबली बनवाएंगे, कंप्लीट पार्ट की असेंबली, और उसको रेंडर कराएंगे, तब वहाँ पे इसका सही से यूज हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, इस वीडियो में एक्चुअली में ये जो बेस है इसको बेस पे उन्होंने पॉइंट लगा रखा है, ठीक है, यानी इस बेस से हिल डुल नहीं पा रहा। और जो ये वाला पार्ट है ना, इसके पास 6 डिग्री है, यानी ये पार्ट है हमारा, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकता है। तो ऊपर वाले पार्ट में इन्होंने पूरा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मोशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम इस पार्ट की भी पूरी असेंबली करके देखेंगे बाद वाले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में अभी हमने जान लिया 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन क्या होता है। नेक्स्ट जनरल कॉन्स्टेंट सेट है। इस कॉन्स्टेंट में कुछ खास नहीं है, जैसे कि हमारे पुराने कॉन्स्टेंट हैं वैसे ही है, जैसे कि हमारे पास जो पिन और स्लाइडर कॉन्स्टेंट था। चलिए इसको भी हम देखते हैं। देखिए इसमें हमने जनरल अप्लाई किया हुआ है और पुराने वाले कॉन्स्टेंट के जैसा ये भी वर्क कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता। एक्स्ट्रा इसको हम डिलीट करते हैं, अभी फिर से इम्पोर्ट करते हैं कैम पार्ट को, और यहाँ से हम जनरल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, देखिए इसमें बाकी जो हमारे पास स्लाइडर और सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल और पिन जो कॉन्स्टेंट सेट है उसे थोड़ा सा डिफरेंट ही है। इसमें थोड़ा सा और आगे के ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें किसी भी तरीके से हम दो पार्ट को इंटरेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चाहें तो इनके दो सरफेस को ही एक दूसरे से मैच करा सकते हैं, ठीक है। अब जब दो सरफेस को एक दूसरे से मैच कराएंगे तो देखिए डिस्टेंस, पैरेलल, कोइंसिडेंट, तीन तरीके के हमारे पास ऑप्शन है करने के। हम पैरेलल रख सकते हैं, डिस्टेंस एक दे सकते हैं, या कोइंसिडेंट रख सकते हैं एक दूसरे के पास। इसके साथ साथ नेक्स्ट कॉन्स्टेंट ओपन होता है, ठीक है। इसमें फिर बोल रहा है अब क्या करना चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट असेंबली आइटम। अब जैसे कि अभी इसके पास अभी एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों प्लेन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कोइंसिडेंट की जगह हम चाहते हैं यहाँ पे एक सपोज कोइंसिडेंट पहले ही ऑप्शन चूज करते हैं, तो कोइंसिडेंट ऑप्शन हो गया। अब ये है, अब इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अल्ट और कंट्रोल होल्ड करके आप इसी प्लेन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसके साथ साथ देखिए अब ये रोटेट नहीं हो रहा। अगर हम पहले वाले कॉन्स्टेंट में इसकी हम यहाँ पे जो कोइंसिडेंट है इसकी बजाय अगर हम इसकी एक्सिस दिए होते किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, सपोज दैट, अब देखिए इसकी एक्सिस नहीं सिलेक्ट हो रही क्योंकि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में हमने प्लेन सेलेक्ट किया हुआ था। अब इसमें अगर हम इसकी एक्सिस दे देंगे तो अब ये एक्सिस में रोटेट हो सकता है, और रोटेट होने के साथ साथ हम इसे बता सकते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्स्टेंट में कि ये अपने प्लेन से इतना ऊपर रहेगा, इतने नीचे रहेगा, और यहाँ से हम पैरेलल या कोई भी डिस्टेंस पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोटेशन है, यानी रोटेशन इसका कंट्रोल कर सकते हैं। रोटेशन कंट्रोल करने के लिए मिनी विंडो ओपन करिए,
और यहाँ पे इसका एक फेस सिलेक्ट कर, प्लेन सिलेक्ट करिए, एक प्लेन इसका और एक प्लेन कंपोनेंट का। और यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकते हैं कि मिनिमम ये 0 और मैक्सिमम 120 डिग्री तक रोटेट होगा। अब देखिए इसको अल्ट और कंट्रोल के साथ हम रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए और ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे डायरेक्ट कंपोनेंट में जाने के बाद हम इसे पाएंगे कि ये देखिए 120 रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मेथड हमें सेम एकदम पिन कांस्टेंट के जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन शुरुआत में अलग दिए गए हैं। जैसे कि पिन में केवल हम होल सबसे पहले कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले ऑप्शन में इस कांस्टेंट सेट में हम फेज को भी सबसे पहले एक दूसरे में कोइंसिडेंट कर सकते हैं। तो बस इसमें थोड़ी सी बात अलग है। और ये रहा हमारा जनरल कांस्टेंट। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इनसे कुछ सीख रहे हैं तो आप कमेंट करिए। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे या फिर जो चीज़ अच्छा ही है उसके बारे में लिखिए तो हमें मालूम चलेगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे, तो हम उसका फिर से सोल्यूशन खोजेंगे और आपको कमेंट के ज़रिए या तो फिर नए वीडियो के ज़रिए उस प्रॉब्लम का समाधान देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।